third subject English. In last lecture we were doing unit 2 chapter 4 Nina and the baby sparrows. Now today we are doing unit 3 chapter 5 Little by Little. Little by Little is the name of the poem. This poem is related to the oak tree. तो इस पोयम में हमें देखना है कि ओक ट्री कैसे बनता है एक छोटे से सीड में से. उस सीड का नाम है एकॉर्न. सो इन दिस पोयम हियर देयर आर टू स्टैंजास आर गिवन. सो लेट्स आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन. सो लेट्स सी स्टैंजा नंबर 1. लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड. एकॉर्न मींस अ सीड ऑफ द ओक ट्री. वो कहता है कि मैं बहुत ही छोटा हूँ. लिटल बाय लिटल एन एकॉर्न सेड. एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड. वो धीरे धीरे सैंक. सैंक मतलब डूबना. वो डूब जाता है किसमें? इन इट्स मॉसी बेड. उनके बेड में. मॉसी मींस वी कैन कॉल जो ग्रीन कलर का शैवाल होता है उसे कहते हैं मॉसी. तो वो बेड में मोसी बैग में वो डूब जाता है. एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोसी बैग. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे. एकॉर्न कहता है कि मैं हर रोज इम्प्रूव होता हूँ. इम्प्रूविंग मीन्स पहले से बेटर. मतलब पहले छोटा है तो थोड़े दिन जाए तो उससे बड़ा हो जाना. तो उसे कहते हैं इम्प्रूविंग. पहले से बेटर. इम्प्रूव मीन्स to become better. I am improving every day. Hidden deep in the earth away. वो कहता है कि मैं अर्थ में deep मतलब उंडू मतलब उसमें मैं छुप गया हूँ. Hidden deep in the earth away. मैं अर्थ में छुप गया हूँ. Acorn seed ऐसे कहते हैं. Little by little each day it grew. तब वो कहते हैं कि लिटल बाय लिटल ईच डे मतलब हर रोज वो ग्रो होता है. मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है. उसके बाद लिटल बाय लिटल इट शेप्ड द ड्यू. लिटल बाय लिटल वो धीरे धीरे. शेप्ड मतलब जो घुटड़े घुटड़े पानी पीना. और द ड्यू. ड्यू मीन्स पानी की बूंद. तो वो पानी की बूंद धीरे धीरे लेता है. कौन? एकॉर्न सी. नाउ अगेन आई रिपीट स्टैंजा नंबर 1. लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड. एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे. हिडन डिप इन द अर्थ अवे. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू. Little by little it sipped the dew. So here stanza number 1 I will explain. Now I will explain stanza number 2. Let's see. Downward it sent out a thread like root. Downward मतलब नीचे. ठीक है. It sent out. वो सैंड आउट मतलब वो भेजते हैं. अ थ्रेड लाइक रूट मतलब वो ग्रो होते हैं कैसे? अंदर नीचे अर्थ में. डाउनवर्ड. थ्रेड मींस दोरो. सो थ्रेड की तरह वो लाइक रूट. रूट की तरह वो थ्रेड जैसे वो ग्रो होते हैं. नाउ नेक्स्ट. अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट. अप इन द एयर. एयर में अप मतलब बहुत ही ऊंचा. अब वो ग्रो होता है. स्प्रैंग. स्प्रैंग मींस टू डेवलप. अ टाइनी शूट. पहले वो टाइनी मींस स्मॉल छोटा सा शूट डेवलप होता है. कहां पे? अप इन द एयर. नेक्स्ट. डे बाय डे ईयर बाय ईयर. डे बाय डे जैसे दिन जाते हैं वैसे ईयर बाय ईयर ईयर भी चले जाते हैं. तब वो एकॉर्न सीड में से बड़ा सा ओक ट्री बन जाता है. सो डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर. लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर. वैसे धीरे धीरे उस शूट में से वो लीव्स भी अपीयर होने लगते हैं. मतलब उस स्मॉल प्लांट में से लीव्स भी ग्रो होने लगते हैं. लीव्स भी
दिखने लगते हैं. सो लिटल बाय लिटल द लीव्स अपीयर एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड एंड द स्लेंडर ब्रांचेस. स्लेंडर मींस थिन. पतली सी ब्रांचेस स्प्रेड होने लगती है कहां पे? फार एंड वाइड. बहुत ही दूर एंड वाइड. वाइड मींस बड़ो. मतलब ऐसे वाइड होने लगता है, फार होने लगता है उसके ब्रांचेस. वो ब्रांचेस कैसी होती है? स्लेंडर. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड टिल द माइटी ओक इज फॉरेस्ट ब्राइट. टिल द माइटी. माइटी मींस स्ट्रॉन्ग, पावरफुल. जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता तब तक वो ओक ट्री नहीं कहलाता है. मतलब टिल द माइटी ओक इज फॉरेस्ट ब्राइट. जब वो ओक ट्री स्ट्रॉन्ग बन जाता है तब वो फॉरेस्ट का प्राइड कहलाता है. तब वो फॉरेस्ट का प्राइड. प्राइड मींस प्राउड. मतलब उसको गर्व है कि अब मैं छोटे से एकॉर्न सीड में से क्या बन गया? ओक ट्री. मींस वो फॉरेस्ट का प्राइड है. मतलब उसका गर्व है. Now, let's see, I repeat second stanza. Downward it send out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear. And the slender branches spread far and wide. Till the mighty oak is forest pride. Now, next topic, new words with meaning. So, let's see new words with meaning related to this poem little by little. Let's see number one, hidden. Hidden means chupna, keep secret, kuch secret rakhna. Matlab kisi ko batana nahi. Hidden means keep secret. Next number two, slowly. Slowly means at a slow speed. जब आप छोटे थे तब आप राइटिंग कैसे करते थे? स्लो. मतलब धीरे 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 आपकी राइटिंग की स्पीड बढ़ती है. तो वैसे यहाँ पे एक और ट्री है, वो पहले छोटा सा था और धीरे 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 वो ओक ट्री बन गया. तो slowly means at a slow speed. Now downward. Downward means toward a lower place. Downward means नीचे. मतलब उसकी place lower होती है, नीचे होती है. Next number four, slender. Slender means very thin. Means बहुत ही पतला. Slender means very thin. बहुत ही पतला. Now number five, mighty. Mighty means strong, powerful. ठीक है. नेक्स्ट नंबर सिक्स, ब्रांचेस. ब्रांचेस किसे कहते हैं? अ पार्ट ऑफ अ ट्री. वो एक ट्री का पार्ट है. और वो कहाँ से ग्रो होता है? ग्रोइंग आउट फ्रॉम द ट्रंक. वो ट्रंक में से ग्रो होता है. नाउ नेक्स्ट, ब्रांचेस अ पार्ट ऑफ अ ट्री ग्रोइंग आउट फ्रॉम द ट्रंक. नेक्स्ट नंबर सेवन, प्राइड. प्राइड मीन्स टू बी प्राउड ऑफ समथिंग. टू बी प्राउड ऑफ समथिंग मतलब गर्व. किसी का प्राउड है हमें, उसे कहते हैं प्राइड. नेक्स्ट नंबर एट, इम्प्रूविंग. इम्प्रूविंग मीन्स टू बिकम बेटर. मतलब पहले से बेटर होता है, उसे कहते हैं इम्प्रूविंग. नेक्स्ट नंबर नाइन, शिप मीन्स टू ड्रिंक समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटी. शिप. शिप मीन्स To drink something in small quantity. जब हम कोई पानी पीते हैं और कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो वो धीरे धीरे, और we can take in a small quantity. उसकी quantity small में लेते हैं तब उसे कहते हैं sip. To drink something in small quantity. Next number 10. Shoot means we can say a small plant or we can say move somewhere. वो move होता है somewhere. Quickly and suddenly. बहुत ही जल्दी से and suddenly.
suddenly means अचानक. Suddenly means अचानक. So number 10, should moves somewhere quickly and suddenly. So here I'll explain new words with meaning of this poem little by little. Now I'll recite this poem. So you have to recite with me. Little by little an acorn said. Little by little an acorn said. As it slowly sank in its mossy bed. As it slowly sank in its mossy bed. I am improving every day. I am improving every day. Hidden deep in the earth away. Hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew. Little by little each day it grew. Little by little it shaped the dew. Little by little it shaped the dew. Downward it sent out a thread like root. Downward it sent out a thread like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day, year by year. Day by day, year by year. Little by little the leaves appear. Little by little the leaves appear. And the slender branches spread far and wide. And the slender branches spread far and wide. Till the mighty oak is forest pride. Till the mighty oak is forest pride. So here I'll explain and recite the poem little by little. Now we have to drilling of new words with meaning. I'll speak all new words two times. So you have to drill with me two times. Hidden means keep secret. Hidden means keep secret. Number 2, slowly means at a slow speed. Number 2, slowly means at a slow speed. Number 3, downward means towards a lower place. Number 3, downward means towards a lower place. Number 4, slender means very thin. Number 4, slender means very thin. Number 5, mighty means strong or powerful. Number 5, mighty means strong or powerful. Number 6, branches means a part of a tree growing out from the trunk. Number 6, branches means a part of a tree growing out from the trunk. Number 7, pride means to be proud of something. Number 7, pride means to be proud of something. Number 8, improving means to become better. Number 8, improving means to become better. Number 9, shipped means to drink something in small quantity. Number 9, shipped means to drink something in small quantity. Number 10, shoot means moves somewhere quickly and suddenly. Number 10, shoot means moves somewhere quickly and suddenly. So here I explain and recite the poem little by little, and also I'll explain and drilling of the new words with meaning. आभार।